सरकार खुद कहती है कि कुदरती सोमियां नूं सांभ के रखना है, पर इत्थे कुदरती सोमा बर्बाद क्यों हो रहा है? ये गल खाने पा दिओ। चलो गलती नूं गलती नहीं कहिंदे, पर शहर बहुत सोहना है, शहर बहुत स्वच्छ है, ये झूठी तारीफ किवें करिए? सानूं गल समझा दिओ। वी बत्ती नवां शहर देख रहे हो, मैं तुहाडा अपना परिवारक मैंबर दिनेश सूरी, तुसीं शेयर तों अंदाज़ा ला लैंदे हो वीडियो किस बाबत होण वाली है। कुदरती सोमियां नूं संभालण दी गल कीती है। ये कहा जाता है सरकारां वल्लों कि कुदरती सोमे बचाने चाहिए आ, आ परिस्थिति तुहानू नज़र आती होगी। गाना याद आ गया, पानी पानी होगी मित्रा। जा मैं कहाँ कि होर भी सत्रां हन, जा व्यंग है कि चप्पणी च पानी दे के डुब मर, तूं मर तूं मर। पर इत्थे लोग परेशान ने, क्योंकि पिछले 10 दिनों तो ये प्रशासन दे अगे मिन्नतां कर रहे हैं। हालांकि समझ नहीं आती कि मिन्नतां करनियां क्यों हन, क्योंकि जे कल्ले कल्ले वोटर की वोट की वैल्यू है तो वोटर मिन्नतां क्यों करे, वोटर ऑर्डर क्यों ना करे? पर जो वोटर जाके बेनती करते हैं कि इत्थे कुदरती सोमा पानी जिहड़ा तुसीं देखो लीक कर रहा पिछले 10 दिन तो, मैं पिछला जिहड़ा शुक्रवार लंघिया वह नहीं, उस तो पिछले शुक्रवार जिहड़ी हनेरी आई सी, जिस तो बाद बिजली के खंभे डिग गए सी, आवे जे देखो दिखाओ दरख्त डिगया होया। इहदे करके जिहड़ी पाइपलाइन है, वाटर सप्लाई की पाइपलाइन है, वह उखड़ गई है, वह टुट गई है। और वाटर सप्लाई जिन्नी बार भी आउंदी है, एक बार दो बार जां तीन बार जिन्नी बार भी आउंदी है, पानी इसे तरह वेस्ट हो रहा। किन्ने लीटर पानी वेस्ट हो चुका है हाले तक, उहदा हिसाब कौन देगा और उहदी जिम्मेवारी कीदी है? इत्थे बापू जी साडे नाल खड़े ने, इहनां दे खेतां दी तरफ पानी चले जांदा भी, जे थोड़ा जूम इन करके उपरों दिखा दो, खेतों में पानी जिहड़ा चले जाता है, पट्ठे उत्थे खराब होंदे हन, इहदी जिम्मेवारी कौन लैंदा? पिछे खंभा भी डिगया तुहानू नज़र आउंदा होवेगा, तारा भी देख लो थले होईआं होईआं। कई वेले सियाणा ट्रक वाला जिन्हें ट्रक ज़्यादा लद्दिया होवे इधरों लंघ रहा होवे तो वह भी परेशानी का कारण बन जाना। इनू सैटल कदों किया जाएगा, मैनेज कदों किया जाएगा? बार बार ये सवाल पूछ दिन। और एक छोटी जी गल होर दस दिना कि असी भी मौका देखण गए सी, तां तुसीं देख सकते हो कि सट चोट लग जाती है कि वेले मौका देखण दा, जगह पोली हो गई है। मैं इत्थे पैर रखना चाहुंदा सी पर पैर धस गया थले, इस करके बच्चे इत्थे खेडदे ने, कोई अचानक बच्चा आ जांदा तां की बनेगा की वापरेगा, तुसीं खुद अंदाज़ा ला सकदे हो। बापू जी तो पूछ लेंगे, बापू जी आई गई गल करती है, अपना एक्सपीरियंस दसो, तुसी गए सीगे? क्योंकि गल जिहड़ी आ उहनू छड्ड दिंदे ने, किसी होर सिर मड़ दिंदे ने कि तुसी फलाने डिपार्टमेंट को चले जाओ, हल करनगे। पर इत्थे सोमा जिहड़ा कुदरती सोमा बर्बाद हो रहा, पानी सब जिहड़ा बर्बाद हो रहा, पवन गुरु पानी पिता की गल करते हैं, तो देखो किन्ना जिहड़ा कुदरती सोमा बर्बाद हो रहा, पानी बर्बाद हो रहा। तुसी किते किते कोल जाके अपना तजर्बा जरूर साझा करो। पहला तो अभी सब तो जी असं गए थे वाटर सप्लाई वाले को, ठीक है जी, उन्होंने असं गल की, उन्होंने फोन पर साड़ी गल हुई सी, तो उन्होंने ये किया कि वह पहला के सब तो जो पहला जो बूटा डिगया होया उन्होंने वक्त कराया जाए जंगलात महकमे कह के प्रधान साहब के कोल जाओ, प्रधान साहब नूं कह के इस बूटे नूं चकाओ, फिर असीं पाइपलाइन ठीक करांगे। वह पहला भी अज तो बूटा चकना इन्ना सौखा तो है नहीं बिल्कुल, जेकर असीं अपने तौर पर कराना हो घट्टो घट्ट तीन 4000 रुपये का घट्टो घट्ट, वो मतलब हाइड्रे वाला जां जो क्रेन वाला इहनूं चकण दा लाऊगा, वह कौन खर्चा करेगा, पल्लियों कौन खर्चा करेगा? अगे ये आ जाती है कि पहला भी ये एक बार हो चुकी सी पाइपलाइन, पहला भी खराब हो चुकी है, पहला भी हो चुकी है, एक घट्टो घट्ट 2-2.5 महीने पहला भी लीकिंग होंदी रही सी, वह भी बड़ी मुश्किल नाल ठीक होया, वह भी इत्थे बंदियां ने अपने तौर पर पहुँच करके खर्चा करके उन्होंने ठीक करवाया, पाइप बदली करवाया, सारा कुछ कराया, तो इनू जो ठीक करते सके उन्होंने एक छोटी जी जड़ आ गई बूटे की, ये अंब के बूटे की जड़ सी पाइपलाइन के उत्ते, थोड़ी बढ़न लगे, उन्होंने जंगलात महकमे आल ने आके रोकया कि भाई जो तुम यही बढ़ी तो यदा नुकसान हो गया बूटे का, थोड़े सर यह जुर्माना पैना, अच्छा 1,00,000 रुपया थोड़ा पलंटी पेगी, अच्छा वो उन्होंने को कम तो उत्थम वाले कम रोक दता उन्होंने, ठीक है जी। तो हूँ भी वो कहते सू यही दिक्कत आनी है, पहले सू महकमे वाले वो जंगलात महकमे वाले सू परेशान करे ये मसला पहले हल कराओ। दसो नज़र से गल नहीं आती कि पानी देखो कि वेस्ट हो रहा, जिमें पहले दस रहे कि इतों सप्लाई बंद हो जाती है, वजह उधर दिखाइयो, इतों सप्लाई बंद हो जाती, जे अगे घर ने उन्होंने तक वाटर सप्लाई नहीं पहुँच रही, नहीं जा रहा जी, नहीं जा, अभी भी उन्होंने शामिल लग गए, साडा भी घर आ पानी पीते कितों, नहीं इतों आले दुआले सज्जे खब्बे लैके आने आने आंढ़िया गुआढ़ियाँ, जे किसी के घर से कोई मोटर उतों लैके बंदे सारे सार रहे हैं, वो अपना काम चला रहे हैं, मुश्किल तो है ना, मुश्किल तो बहुत हैगी, क्योंकि पानी ढोना कि सौखा है जी, अजक गर्मी के दिन आ, पानी की लागत ज़्यादा आ, ठीक है जी। तो बाकी ये गल पिछे पानी मिलता है,
पिछे हैगा जी, पिछे तो आंदा आ, लेकिन इतों जो फिर जो पानी चली जाता ये सारा बिच गंदा पानी हो जाता, ये मुड़ के बस फिर पैप दे। डेंगू का कितना खतरा जी, क्योंकि डेंगू जो साफ पानी च हुंदा, मैं क्लीयर कर देवा, डेंगू साफ पानी तो उत्पन्न हुंदा, तो इतने बीमारियों का खतरा है। शहर च कूड़ा जो साफ नहीं हो रहा, क्योंकि सफाई कर्मचारियों ने जी अपनी प्रॉब्लम तुहाडे नाल शेयर कर दी है, पर इतने तो जी प्रॉब्लम रिजोल्व की जा सकती कि नहीं? बिल्कुल जी बिल्कुल, नाले सब तो बड़ी गल तो सब तो गल गल है कि ये जी चीज़ है ना, ये साफ पानी पीने वाला, ये तो यदि तो कोई कीमत ही नहीं है दुनिया में, ये कोई कीमत नहीं है। जिन्होंने को जिस तरह साढ़े तो चलो इतने थोड़ा आसानी ने पानी मिल जाता, जिन्हों इलाकों से पानी की बहुत दिक्कत है, बहुत किल्लत है, जिदा राजस्थान वर्ग के इलाके उन्होंने जाके पता लगता कि उतने तो पैसों नाल भी पानी नहीं मिलता, चाहे कुछ भी जिनी मर्जी को कीमत बंदा देनी चाहिए कि उस इलाके इदा दे कि उ पैसा भी कम के लोग आगे इतने देख तो मत्थे हाथ मारन। हाँ बिल्कुल 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 जी, वह तो कहेंगे कि किन्ने मूर्ख लोग आ साडे लोगों को कहेंगे कि इन्ना पानी बर्बाद कर रहे हैं। देखो सानू तो यह कहा जाता कि टूटी चलती तो भज के बंद करो, हालांकि असी कई बार करी तो मोटरसाइकिल से भी जाते हुई, टूटी चलती होकारी टूटी होता भी बंद कर दी है, यह सरकारी टूटी कौन बंद करेगा? ये तो बहुत मुश्किल है जी, थोड़ा बहुत होंगे तो बंदा अपने तौर पर भी करना, पाइप का व्डे का काम आ, घट घट्टो घट्ट 6 इंच या 8 इंच का पाइप आ जोड़ा बहुत भर के पूरे प्रेशर ना निकल रहा, घट तो घट 15 या 20 हॉर्स पावर की मोटर के पानी जिन्ना पानी आ रहा। मतलब एक डिपार्टमेंट तो जाते हो वो अपना जो गलों गलों वाला के दूजे से पाते, दूजा तीजे से, तीजा चौथे से पानी का उत्थे जो प्रोसीजर चल रहा है, कोई नहीं हल हो रहा। अभी सब कुछ कह के देख लिया, अपने करके देखा, पहला भी अपने किया सगा, पहला भी नहीं कोई सुनवाई हुई, बड़ी मुश्किल का मसला हल होया, हूँ तो ज़्यादा मसला हल, यदा मसला ज़्यादा हो गया, बढ़ गया जी बढ़ गया, और सट चोट लगन का भी खतरा, हालांकि पहला मैं सट खा चुका पर फिर भी उत्थे जाके दिखाने की कोशिश जरूर करूँगा। ज़्यादा अगे ना जाते इतों तुम एक बार व्यू देख लो, विजे आ जाओ थोड़ा उत्थों दिखा दो। वैसे प्रशासन को बेनती है कि इतने बतका बुतका छड़ दो, शायद हो सकता लोग देख लापन चार पैसे जरा कमेटी कमा लवे। और देखो पानी किमें बर्बाद हो रहा है, प्राइजलैस है चीज़, यदि कोई कीमत नहीं है, पानी की कोई कीमत नहीं है। एक पास असं लोगों समझाने सरकार वीडियो बनाऊदियां ने कि कुदरती सोमियां नू सांभ लो, पानी नू सांभ लो, आने वाली नस्लों नू पानी नहीं मिलना, और एक पास इतों के जोड़े लोग ने वो बार बार अपील करते हैं, बेनती करते हैं कि इतने पानी की वेस्टेज हो रही है, साढ़े घर तक पानी नहीं पहुँच रहा, उन्हों नज़रअंदाज किया जाता है। एक महकमा दूजे महकमे की ड्यूटी दसदा, दूजा फिर तीजे की दसदा, पर यह ड्यूटी साड़ी सारे की अपनी है, ये पहल के आधार से सानू आके सॉल्व करना चाहिए, पहल दे आके इनू रिजोल्व करना चाहिए, क्योंकि कुदरती सोमा वेस्ट हो रहा, जिहड़ी ये नैचुरल ट्रेजर्स ने साडे वो वेस्ट हो रहे ने, उहदे लई सानू अगे आना चाहिए। पर हाँ चलो शायद प्रशासन ये सोचता होवे, जिवें कहिंदे ने कि छिक्का टुट्टा बिल्ली दे भागी इत्थे, क्योंकि कई कुत्ते बेचारे आके आराम कर लैंदे ने जदों गर्मी हुंदी, उह पै जांदे ने, जे प्रशासन हो सकदा उहनां बारे ज़्यादा सोच। खेतों में भी पानी जाता उधर साढ़े, बिल्कुल असं पट्ठी बीजे से घट्टो घट्ट साढ़ा 3000 के उपर खर्चा आ गया पट्ठे बीजाण से, वो पानी ना भरया खड़ा रहा, वो बर्बाद हो जाना, असं कई बार कह चुके हैं पर साड़ी कोई नहीं सुनवाई नहीं कर रहा। सब तो ज़्यादा बड़ी गल तो यह है कि पानी की बर्बादी बहुत ज़्यादा आ, जो सू जो दुख आ ना सू, क्योंकि साफ पानी पीने वाले की बर्बादी बहुत ज़्यादा हो रही है। बिल्कुल, एक पास रीसाइकल की गल करते, एक पास जो रीसाइकल की गल भी इस तरह है जी कि शुगर मिल के प्लांट लगा हुआ है, उहदे विच जिहड़ा ओह बिजली बनाने लई जिहड़ा पानी उहनूं यूज़ करदे स्टीम वास्ते, वह थल्लों धरती विचों कढ के यूज़ करे, उहनां दे नाल शहर दा गंदे नाले दा पानी जांदा, उहनूं रीसाइकल करके यूज़ कर सकदे, पर उह नहीं कीता जांदा, थल्लों धरती चों कढ के यूज़ कीता जांदा। इह भी प्रशासन नूं ध्यान देण वाली दूआ लोड़ इस वल भी, क्योंकि पानी असीं संभालणा, उहनूं भी तां वरत सकदे आ। हांजी बिल्कुल सही, हांजी चलो बहुत शुक्रिया, इहनां दा दर्द जिहड़ा तुहाडे तक पहुंचाउणा सी, और इह दर्द इहनां दा नहीं साडा भी आ यार, आप कहने कि पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, तो पानी सब का सांझा है। प्रशासन अगर बेनती है, हालांकि मैं पहला कहना कि वोटर्स नूं बेनती करने की जरूरत नहीं, पर फिर भी चलो जे सरकार बेनती कराना चाहती है, प्रशासन बेनती कराना चाहता तो रल के बेनती करते हैं, कुदरती सोमा बचा लो, ये वाटर प्राइजलैस है, साफ सुथरा पानी है, ये इतने सामने घर वाले जाता, इस तो अगे जे घर रेंदे ने वेस्ट हो रहा, इतने बीमारी भी कोई जी उत्पन्न हो सकती है, असी किसी बीमारी को सद्दा दे सकते, कोई हादसा भी वापर सकता, क्योंकि मौका देखना है, तुम साडे हालात देख लो। हाँ इस अगर ये असी देख आए हैं, असी पूरे प्रिकॉशनस लैके आने हैं, साढ़े ना हादसा वापर गया तो किसी होर ना भी रब ना करे, खुद ना खासता यहोजी कोई ट्रैजडी होंगी है, छोटी मोटी या वड्डी भी, क्योंकि बच्चे भी आते हैं, तो जिम्मेवार कौन होएगा? ये प्रशासन 10 दिन तो आगाह कर रहे हैं, 10 दिन तो उन्होंने जाके पिन पॉइंट कर रहे हैं इस चीज़ बारे, लेकिन
हाल चाल किसी ने नहीं पुछया, गल अगाह पछा हो गई है जी। ना ही कहने भी यही पानी बाद थले उतर जाता, जिस वे वाटर सप्लाई बंद होंगी आ उस बाद पानी यह थले उतर जाता, पीने वाला पानी उही हों रल जाता मुड़ के फिर जाके। यही कहने प्रशासन को भी ठीक करना, नहीं तो भी घर बीमारियां फैल सकदियां। अच्छा गंदा पानी घर भी आ रहा है, ये भी सानू कॉल्स आ रही पिछले कई दिनों तो नहीं देखो जी जो हूँ ये रलना पानी जो तो बंद होनी है, सप्लाई बंद हो जानी है, जो पानी ये वापस वो बैग चली जाता पिछले घर। हाँ हाँ पिछले घर जा रहा फिर बेजे, क्योंकि इतों जी सप्लाई बैक भी कई चली जाती है ना, ये इतों पानी पिछे आ मिनी बाईपास हो के गुरु तेग बहादुर नगर मंजी साहब वालू पिछले चली जाता, यह इधर पानी पिछले मुड़ जाता है उधले घर पिछे जाता, पिछले घर वाटर जरा जा रहा इस करके जो गंदा पानी। हाँ गंदा पानी इतों वापस जा रहा तो ज अगर वो बैक वजदी है तो जो लोग पिछे रेंगे ने उन्होंने गंदा पानी पीना जो उन्होंने हम मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि इतने सफाई नहीं हो रही, इतने प्रॉपर सैनीटेशन नहीं हो रही, इतने मुकम्मल जो मौका उन्होंने ठीक नहीं किया जा रहा, वाटर सप्लाई ठीक नहीं किया जा रहा। तुम बने रहना बीबत्ती नवा शहर ना अपने छोटे भी दिनेश सूरी, कैमरा परसन विजय कुमार इजाजत दो, हम अभी बूट बाट भी जोड़े वो चक के लेके जाने, बहुत बहुत शुक्रिया।